रोडवेज बस स्टैंड के बाहर निजी बस द्वारा सवारियां ढूंढने से आक्रोशित हड़ताली कर्मचारियों ने सोमवार को तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। इसका फायदा उठाकर निजी बस वाले रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से ही सवारियां लेने लग गए। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने बस चालक से हाथापाई की तो वह भाग छूटा। बाद में आक्रोशित कर्मचारियों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। साथ बहुत अन्याय हो रहा है साहब। रोडवेज सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। आज हमारे साइकिल स्टैंड पर ऐसे हालात हैं कि हमारे स्टाफ की तनख्वाह और यहाँ का किराया देना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है हालात भी हमारे कुछ जगह रखे पे यहाँ रेंट किराया भी भरना पड़ेगा। वाहन आते थे और अब क्या अंतर पड़ा है? रोज के 500 से 700 वाहन आते थे, आज यहाँ पे 10 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन भर की 50 वाहन आ रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हमारे रोडवेज कर्मियों की जो संयुक्त मोर्चा था उसको लेकर पिछले हड़ताल में 27 जुलाई को एक समझौता हुआ था जिसमें हमारी 4 मांगे थी उसको लागू नहीं करने के विरोध में हमने 17 तारीख से हड़ताल चालू की, जिसको आज 8वां दिन है जो लगातार चल रही, शांतिपूर्ण चल रही। आज एक प्राइवेट बस, जबकि सन 1999 में एक कोर्ट का फैसला था और परिवहन विभाग का भी फैसला था कि रोडवेज परिसर से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की परिधि तक कोई भी प्राइवेट व्हीकल 3 पहिया और 2 पहिया को छोड़कर अंदर कोई नहीं आएगा। एक प्राइवेट बस आई थी अभी, उसको हमने रुका के सवारी उतरवा दी और पुलिस को सूचना करके उस गाड़ी को भेज दी है और उनसे समझाइश की कि आज के बाद बस स्टैंड के पास में से सवारी नहीं उठाओगे,